देखो ट्रायंगल एक्सरसाइज से जो हम लोग लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं उसी में एक क्वेश्चन है देखो दिया है इसमें एबीसी एक ट्रायंगल है एबीसी एक जिसमें एडी मीडियन है समझे हम लोग को प्रूव करना है एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इक्वल्स टू 2एडी स्क्वायर प्लस हाफ बीसी स्क्वायर इस थ्योरम से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं समझे इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि इन ए ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स sum of squares of two sides is equal to twice the square of median bisecting third side together with half the square of third side matlab abc koi triangle hai usme ad median hai isko projection theorem bhi kehte hain maan lo abc koi triangle hai isme ad median hai to aapko prove karna hai ab square plus ac square equals to 2ad square plus half bc square isme construction karna padega hum logo ko बताओ क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा जो ए परपेंडिकुलर टू बी सी क्या ड्रॉ कीजिएगा जो ए परपेंडिकुलर टू ठीक है अब यहाँ पे प्रूफ में लिख देंगे सबसे पहले देखो ट्राइंगल ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एंगल ही कितना है एंगल ही 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझे यहाँ पर लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है अब एक छोटा सा चेंज यहाँ पे लाओ ए स्क्वायर को रखो जगह पे और तुम बी को लिख सकते हो बी डी माइनस ए डी क्या हम लोग लिख सकते हैं ना बी डी को हम लोग BE को लिख सकते हैं BD माइनस ED हाँ BE को BD माइनस ये तो BE को लिखो BD माइनस ED उसपे का होल स्क्वायर ये A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों A स्क्वायर जो B स्क्वायर माइनस 2AB 2 इनटू BD इनटू ED समझा अथवा से एडजस्ट करके देखो तो ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर पिक्चर में देखो ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर क्या हो रहा है हाँ देखो ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर क्या हो जाएगा ईडी स्क्वायर क्या हो जाएगा ठीक है ना ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर क्या हो जाएगा ईडी स्क्वायर और ये जो बीडी है इसको लिखो बीसी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी BD को क्या लिखेंगे BC by 2 BC by 2 क्योंकि D मिड पॉइंट ऑफ BC है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर क्या आ जाएगा AD स्क्वायर और यहाँ ये क्या आ जाएगा BC स्क्वायर by 4 ये माइनस BC into ED ओके इसको केस क्या मान लेंगे 1 1 अब लिखो नाउ इन ट्राइंगल ACE एसी में एसी हाइपोटेन्यूज है तो एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा एई स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर देखो बच्चों ईसी को हम लिख सकते हैं ईडी प्लस ईडी इसको आगे तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोन बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू ईडी इंटू सी डी देखो ए स्क्वायर और ईडी स्क्वायर को एक साथ लिख दो ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर को एक साथ लिखे और सी डी को क्या लिखेंगे बताओ डी सी बाई टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू ईडी इंटू सी डी सी डी क्या लिखेंगे डी सी बाई समझे अब अगले स्टेप में लिखेंगे फिर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू देखो बच्चों ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर क्या हो रहा है देखो ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर क्या हो रहा है ए डी स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर क्या लिखेगा ए डी स्क्वायर यहाँ पे क्या जाएगा ये बी सी स्क्वायर बाय फोर अब प्लस टू से टू कैंसिल हो गया तो क्या जाएगा ये ई डी इंटू बी सी इसको मान लेंगे केस टू ना एक केस क्या हो गया
एडिंग क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ वन एंड टू, मतलब एनएचएस में एनएचएस जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, एबी स्क्वायर प्लस क्या जाएगा एसी स्क्वायर। तुम ऐड कर रहे हो ना, देखो यहाँ एडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर क्या जाएगा टू एडी प्लस बी सी स्क्वायर बाय फोर, यहाँ भी है बी सी स्क्वायर बाय फोर यहाँ भी है, तो क्या जाएगा ये टू बी सी स्क्वायर बाय फोर। देखो ये प्लस ईडी इंटू बी सी या माइनस बी सी इंटू ईडी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ईडी इंटू बी सी यहाँ भी क्या है माइनस ईडी इंटू बी सी, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, प्रूव हो गया हम लोग को, क्या प्रूव हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय टू हो गया, समझे। और अब हम लोग इसके बाद एक फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है चलो। तो अभी अभी तुम लोग को हम प्रोजेक्शन थ्योरम पढ़ाए हैं उसी थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें हम लोग को प्रूव करना है कि इसके इसके साइड्स के स्क्वायर का सम जो है वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। क्या प्रूव करना है देखिए, हो गया गिवन में है एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी क्या है पैरेललोग्राम है, यार देखो AO बराबर CO जो कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर, दिस इंप्लाइज DO इज वैसे चलो इन ट्रायंगल ADC में, इसमें इन ट्रायंगल ADC में AO बराबर CO है, AO बराबर CO क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है ये बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर ये हो जाएगा, सो DO इज मीडियन, DO इज मीडियन। अभी जो तुम लोग प्रोजेक्शन थ्योरम पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि किसी ट्रायंगल में दो दो साइड के स्क्वायर का सम जो होता है वो तीसरे साइड को बाईसेक्ट करने वाले मीडियन के स्क्वायर का डबल और प्लस क्या होता है हाफ द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, मतलब हाफ ए सी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको केस क्या मानेंगे और यही बात लगाएंगे किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ये बी सी में जो कि बी ओ इज क्या है, यहाँ भी बताइए बी ओ क्या है, बी ओ इज मीडियन, ओके बीओ क्यों मीडियन है क्यों क्या है सीओ है, तो बीओ क्या हो गया मीडियन। यहाँ भी वही थ्योरम लगाएंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन बाइसेक्टिंग थर्ड साइड, थर्ड साइड कौन हो गया ए सी, इसको बाइसेक्ट करने वाला मीडियन कौन है बच्चों बीओ, तो ट्वाइस बीओ स्क्वायर प्लस हाफ द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड मतलब हाफ ए सी स्क्वायर, ये केस क्या हो गया आपका टू हो गया, प्रश्न कीजिए वन और टू को ऐड कर दीजिए एडिंग वन एंड टू, तो आपको एलएचएस साइड में क्या आ जाएगा ए डी स्क्वायर जो डी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और आपको आरएचएस साइड में क्या आ जाएगा टू कॉमन डी ओ स्क्वायर जो डी ओ स्क्वायर प्लस हाफ ए सी स्क्वायर प्लस हाफ ए सी स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों हाफ ए सी स्क्वायर प्लस हाफ ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, हाफ हाफ फुल हो जाता है ना, चलिए यहाँ तक तो समझ रहे हैं। डीओ क्या है बच्चों डीओ हाफ ऑफ बी डी, तो डीओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाय फोर, बीओ भी क्या होगा हाफ ऑफ बी डी, तो डीओ स्क्वायर क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाय फोर प्लस ए सी स्क्वायर, बताओ बी डी स्क्वायर बाय फोर प्लस बी डी स्क्वायर बाय फोर क्या हो जाएगा टू इन टू 2 BD स्क्वायर बाय 4 प्लस AC स्क्वायर, ये 4 4 कैंसिल, देखो प्रूव हो गया क्या हो गया आ गया ना AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हैंस आगे लिख लो तो लो बढ़िया से यहां AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस, ओके हॉर्स क्वेश्चंस के सीरीज में फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग के सामने बोर्ड पे आ चुका है, यदि किसी को बनता है तो बना के दिखाओ, सबसे पहले बनाने वाले को इनाम है, नहीं बनता है तो फिर तो हम यहाँ खड़े ही हैं, ओके चलो स्टार्ट करो सबको, देखो लोड टाइम खेल गया ना बना सब किसी को, अब देखो हम बताते हैं सिंपल प्रोसेस सॉल्व बन जाएगा, ओके लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इसमें डी को जोड़ दो, इसको पहले क्वेश्चन भी समझ लो क्या था, क्वेश्चन समझ गए थे ना तुम लोग, चलो आप लोग भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या था, क्वेश्चन था जो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी 90 है, एडी एंड सी आर मीडियंस, एडी मीडियन है सी मीडियन है, एसी का लेंथ 5 सीएम है
और AB का लेंथ 3 इनटू रूट 5 बाय 2 cm है, आपको दिख रहा है। हम लोगों को लेंथ ऑफ CE निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD लेंगे। देखो ABD में AD क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम से AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। किस का मान लेते हैं इसको? 1 मान लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BEC देखिए, BEC में EC क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो EC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? BE का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ओके, AD स्क्वायर क्या था? AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर था, और AC स्क्वायर क्या था? BE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम केस 2 मान लेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब 1 और 2 क्या कर देंगे? ऐड। क्या जाएगा बच्चों? AB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस व्हाट? BE स्क्वायर। ओके चलो देखो, तो देखो पिक्चर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना होगा? AC स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, B 90 है, AC हाइपोटेन्यूज हो गया, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या लिखिएगा? AC स्क्वायर और प्लस, यहां देखो ये EBD क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B क्या है? 90। ED क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होगा? ED स्क्वायर। मतलब BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो पिक्चर में ED स्क्वायर होगा। चलो थोड़ा सा और पेन लगाओ। AD का लेंथ दे रखा है कितना? 3√5/2। AD का लेंथ क्या दे रखा है? 3√5/2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 3√5/2 का स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। EC फाइंड करना है हम लोगों को, क्या फाइंड करना है? चलो ओके। और सर एक चूंकि यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लो, यहाँ पे लिखो AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। AD का वैल्यू कितना आया बच्चों? 3√5/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। AD का ये वैल्यू 3√5/2 क्वेश्चन में दे रखा है ना? यस सर। आई हैव यूज्ड दिस। यहाँ पे EC स्क्वायर, और देखो AC दे रखा है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखो AC स्क्वायर 5 स्क्वायर, और यहाँ पे दिमाग लगाओ, मैं ED को 5/2 लिख रहा हूँ, बताओ क्यों? बिल्कुल हाफ है। थोड़ा सोचो, वेरी गुड वेरी गुड, मिड पॉइंट समझे, क्योंकि EAB का मिड पॉइंट है और DBC का मिड पॉइंट है, तो ED क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AC। ED क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AC। AC कितना है? 5/3। तो 5/2 का स्क्वायर ले देंगे। सिंस ED इक्वल्स टू व्हाट? हाफ ऑफ AC। AC बाय मिड पॉइंट करो, ठीक है। चलिए आगे सिंपलीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 45/4। 3√5 का स्क्वायर कितना होगा? 9 × 5, 45/4 प्लस व्हाट? EC स्क्वायर इक्वल्स टू बोलिए 25 प्लस 25/4। तुम लोगों को दिख रहा है ना? 45 और यहां देखो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 4 कितना हो जाएगा? और यहाँ पे 45/4 प्लस यहाँ एलसीएम 4 क्या हो जाएगा? 100 प्लस 25 मतलब कितना हो जाएगा ये? 125/4। तो हमें निकल गया EC स्क्वायर बराबर व्हाट? 125/4 माइनस 45/4। थोड़ा सा तो ब्रेन लगाना है तुम लोगों को, कितना दिया? 80/4 मतलब कितना? 20। ये किसके बारे में निकला है बच्चों? EC स्क्वायर का। दिस इंप्लाइज EC बराबर अंडर रूट 20, मतलब साइड ऑफ लेंथ हमेशा लेंथ ऑफ साइड क्या आएगा? पॉजिटिव। लेंथ ऑफ साइड क्या आएगा हमेशा? पॉजिटिव आएगा। EC क्या लिखेंगे? 2√5। क्या लिखेंगे? 2√5। ओके अब बताओ कैसा क्वेश्चन था? आसान क्वेश्चन था, प्रोसेस समझ में आई?